सबसे पहले यह दर्दनाक हादसा जिसके चलते काफी संख्या की लोगों को अब तक तो मृत्यु हो चुके हैं। बहुत सारे लोग ऐसा है जो जीने के लिए अपने जिंदगी से पंजा लड़ रहे हैं, जान से पंजा लड़ रहे हैं, हॉस्पिटलों में दर्ज हो चुके हैं। पता नहीं मृतकों की जो तादाद ये और कितने इसमें इजाफा होगी, क्योंकि जितने समय निकलते जाते हैं मृतकों की संख्या की उतना बढ़ोतरी होते हैं। ये दर्दनाक हादसा हम सबको दिल रुला दिया। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं, जो शुरू से ही जब मौका मुझे मिले मैं ये गुहार लगाते आए हैं कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो निचले स्तर की जो चीज़ें की जरूरत होते हैं, सवारी को सुरक्षित अपना गंतव्य स्थल पहुंचाने के लिए उसमें ज़्यादा ध्यान और तवज्जो देने की ज़रूरत है। ज़्यादा बुलेट ट्रेन करके हमारा रोज़ाना हिंदुस्तान की रेल की पटरी से आप चौंक जाओगे कि 25 लाख सवारी रोजाना सफ़र करते हैं। तो एक बुलेट ट्रेन की चलते सारे धन हुआ निवेश किए जाते हैं, कहीं वंदे भारत की बात किए जाते हैं, लेकिन रोजाना 25 लाख मतलब आप अगर मानो तो एक साल में सारा दुनिया में जितने आबादी है उससे ज़्यादा हम रेलवे में सफ़र तय करते हैं। तो उसमें अगर ध्यान सही ढंग से नहीं दिया जाना, ये सबसे बड़ा गलती है जिसके फल हम भुगत रहे हैं, नतीजा भुगत रहे हैं। और इसलिए भुगत रहे हैं कि ये रेलवे की तरफ से यात्री सुरक्षा को लेकर ध्यान में थोड़ा कमज़ोर पड़ गए हैं। सिग्नल की बात, सिग्नलिंग मानो, ये ट्रैकिंग मानो, बड़ी बड़ी बात कहे जाता है कि हम एंटी कोलिशन डिवाइस लगाते हैं, कवच लगाते हैं, कवच में सब कुछ को रुक देगा। तो कहाँ कवच है भाई, एक के बाद एक तीन ट्रेन एक साथ हादसे में जुट गए, तो कवच कहाँ है। ये आज की इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के सिस्टम में इतने सारे निरीक्षण की सारे हमारे पास धन मतलब सारे हमारे मशीनरीज है, सारे इक्विपमेंट है, सारे इंग्रेडिएंट्स है, फिर भी क्यों नहीं हम सफल हो रहे हैं ये हादसा को रोकने के लिए। गलती कहाँ है। एक कमेटी बना दोगे और दो चार को बोली का बकरी बना दोगे। आप जानते हैं कि जो लोग सुरक्षा में सबसे ज़्यादा भागीदारी लेते हैं वहाँ कॉन्ट्रैक्ट लेबर आ चुके हैं, कर्मियों की मतलब संख्या में कटौती किए जाते हैं रेल की पैसा बचाने के लिए। तो रेल की पैसा बचाने के चलते कॉन्ट्रैक्ट लेबर जहाँ जहाँ हमारे उपयोगी मतलब व्यक्तियों को जरूरत होते हैं वहाँ कटौती के चलते वो नहीं है। हजारों तादाद की पोस्टिंग खाली पड़े हैं, तो बचाएगा कौन, सुरक्षा देगी कौन, सुरक्षा की सर इंतजाम करेगा कौन, और इसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। तो इसलिए हम देश की सरकार को ये गुहार लगाना चाहते हैं कि बुलेट ट्रेन तो होगा, कब होगा पता नहीं, बुलेट ट्रेन है और बेसिक चीज़ें हैं। बुलेट को ज़्यादा तवज्जो दिया जाओगे या बेसिक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ये सवाल आज खड़ा हो गए हैं। मैं ये मेरी तरफ से इसके लिए काफ़ी दुख वेदना हम व्यक्त करते हैं। ये सही महीने में हम सबको दिल रुला देते हैं। पता नहीं कितने लोगों की और जान गंवाने बाकी है, और ज़्यादातर मैं बंगाल के एमपी हूँ, ज़्यादातर ये जो सफ़र कर रहे थे वो बंगाल के लोग हैं, क्योंकि बंगाल से लोग साउथ इंडिया जाते हैं मरीज लेके इलाज कराने के लिए आते भी है। काफ़ी मरीजों की संख्या होगी मुझे लगता है, तरह तरह की सर्वे की खबर तो आ रहे हैं और बेचैनी भी बढ़ रहे हैं। तो क्या लगता है कारण यही है,
सुरक्षा की इंतजाम में खामियां, सुरक्षा की इंतजाम में खामियां की चलती है हो रहा है और कुछ नहीं। जो जितने तर्क अभी दिया जाते हैं ठीक है, अभी कहेगा कि ह्यूमन एरर है या टेक्निकल एरर है, टेक्नोलॉजिकल एरर है, तरह तरह की बात तो अभी होते रहेंगे, क्योंकि अभी सारे देशवासियों को आंखों में धूल झुकने के लिए काफ़ी प्रयास होगी। हमारे रेल मंत्री वो खुद बड़े टेक्नोलॉजी में काफ़ी माहिर है, और हमारे प्रधानमंत्री तो हर चीज़ में टेक्नोलॉजी लाते हैं, डिजिटल इंडिया बना देते हैं। अरे डिजिटल इंडिया बनाओ जरूर, लेकिन निचले स्तर पे रोज़ाना जो मिट्टी में बैठ के काम करते हैं, जमीन पे बैठ के काम करते हैं, और जमीनी स्तर पर सबसे ज़्यादा सुरक्षित देने की इंतजाम है, और जमीनी स्तर पे हमारे एक एक जो व्यक्ति रहते हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वही तो कह रहे हैं, हमने हमारे जमाने में यूपीए जमाने में सबसे ज़्यादा ध्यान यहीं दिया, हम बुलेट ट्रेन में से ज़्यादा ध्यान नहीं दिए। रोजाना 25 लाख सवारी, मतलब मान लो कि 90% से ज़्यादा जिस पटरी पे चलते हैं हमारे देश की लोगों ने, सवारी ने, उसमें ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है, या जहाँ 1% लोग चलते हैं उसमें। बुलेट ट्रेन तो चालू हुई नहीं, सरकार की ज़्यादा ध्यान हुआ, फोटो आएगी दुनिया के देश में हिंदुस्तान न्यू इंडिया बनाने की सारे तस्वीर आएगी, लेकिन असलियत तो यहाँ पता चल गया कि असलियत क्या है। ये बड़ा चिंता की विषय है। सरकार रेल बजट को खत्म, रेल को अलग एक दफ्तर थे खत्म करके, अलग एक मिनिस्ट्री थे खत्म करके जनरल बजट में घुसा दिया बस। अभी रेल का ऑपरेशनल रेशियो देखो 140% हो गए, रेल की हालत बहुत बुरा है, जर्जर हो गए सारे रेल की व्यवस्था हिंदुस्तान में, और उसके साथ साथ ये सरकार रेल का भी निजीकरण के रास्ते पे हाथ चल रहे हैं। तो निजीकरण किया जा, अगर रेल को निजीकरण कर दे, रेल में अगर सुरक्षित सफर करने के लिए पैसा की निवेश ना हो, सरकार अनदेखी करे अगर सुरक्षा को लेकर, तो जो होना चाहिए वही हुआ है। हमें रोना है अभी, ये सारे दर्दनाक जो हादसे सबको रुलाते हैं, देशवासी काफ़ी चिंतित है, बेचैन है, रेल सफर डर की मौल हो रहे हैं अभी।